वो उसका लेडी के साथ कुछ कंफर्म है आज 2-3 साल से। कभी कहता है मेरी बहन है, कभी कहता है मैं इसके साथ शादी किया है, कभी कहता है मेरी के माँ है। उस वजह से उस लेडी को उसने फंसा के हमारे 3 बेटों पर इल्ज़ाम लगा दिया। मेरे ये 3 बेटे समझो, क्योंकि मेरे हमसाए बेटे ही होते हैं। हम आए हैं पूरे बरादरी के साथ आए हैं, गुरुद्वारा कमेटी है, बच्चे हैं, दूसरे ये मोहल्ला कमेटी है। आप मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से, सर यही अपील करता हूँ, मेरे बच्चे बेगुनाह है, उस लड़की ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, उसने पुलिस में उनको 3 को रख दिया है, ये किस वजह से? क्योंकि हमारे अपोज भी हैं, हम गरीब बंदे हैं, हम मोहल्ले में ऐसी बात नहीं, मेरे मोहल्ले में जाइए, मेरे बाजार में जाइए, मेरी किसी जगह भी जाइए, आप वहाँ पर देखिए, पता कीजिए ये बच्चे का नेचर कैसा है, ये बच्चा कैसा है। आप सब जब मैं इसलिए इस वहाँ आया हूँ, और अंडी जनानी जिसने पीपी सिंह एक बुजुर्ग इंसान 75 साल का को उसका हमसाया है, उसको नहीं छोड़ा, इसे उस पर भी यही इल्ज़ाम लगाया आज से 2018 में। अब आपकी जमानत है, हमारे बच्चे तीनों अर्शीद जान मोहम्मद और गुरचरण, ये तीनों बेगुनाह हैं। हम यही कह रहे हैं गवर्नमेंट से, DSP से, IG से, जो भी हमारे पुलिसमैन में हैं, मेरे बड़े बड़े अफसर जिनका नाम तो मैं याद नहीं है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर में इस वक्त बहुत अगन, बहुत जलन है कि मैं अकेला हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे कमर में दर्द, मेरे गुड़के नहीं चल सकते, मुझे उसी बच्चे का एक सहारा है, और मेरे बच्चे का कुछ नहीं किया गया तो मैं बहुत बुरा हाल से, मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठे इल्ज़ाम है, और मेरा अर्शीद भाई जो मेरा बेटा ही समझो, जो मेरे साथ में रहता है, वो भी बिल्कुल बेगुनाह है। वो चंडीगढ़ में बेचारा कर रहा था कुछ बैंक में, वो भी, और आप थोड़ा सा ये भी बोलिए, उनका भाद्र भी बोलिए, बस हमारी ये कारबार तमें लड़का अत ग लड़क तम इलीगल लड़का सह पान तलीगल सम सारी थमें दब दब आज सान बचन हिंद वह पगह अस बेसि तम सद बहरान कह वत पकन गलत लड़की बिल्कुल गलत बेबुनियाद तमिस कम खतर लड़क और घर सब्सक्राइब मेल प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।